नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला। वक्त हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। इस समय की सबसे बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां पर मौसम सुहावना हो गया है और देर रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर पांचवें दिन भी लगातार जारी है। सोमवार तड़के 4 बजे से लखनऊ में तेज बारिश शुरू हो गई। कानपुर में भी हल्की बरसात हुई। मुरादाबाद में सुबह बादल छाए थे। 9 बजे से यहां भी बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले वाराणसी में देर रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। यहां अरसी घाट मौदवी में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। प्रयागराज में रविवार शाम बारिश हुई। प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई इस बारिश से भले ही लोगों की गर्मी को राहत मिली हो, लेकिन ये किसानों के लिए नुकसान लेकर आई है। आलू और गेहूं समेत कई फसल इस बारिश में बर्बाद हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 22 मार्च तक की ऐसी ही मौसम का अनुमान जताया जा रहा है। 20 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहेगा, यूपी में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो देर रात से यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों की आलू की फसल और गेहूं समेत कई फसल को इस बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 20 मार्च तक ऐसा ही मौसम यूपी में बना रहेगा। इस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ।